दोस्तों Redmi इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपने Redmi Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर चुका है, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर Redmi प्लान कर रहा है अपने सस्ते Redmi 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स को इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करने के लिए। और Redmi के 12 सीरीज का एक जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने के लिए 100% कंफर्म भी कर दिया गया है। इसे स्मार्टफोन की लॉन्च डेट भी निकल गया, जो क्या चीजें हैं, कौन सा स्मार्टफोन है, क्या फीचर्स होने वाले हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। साथ में अगर आपने हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं Redmi के 12 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में, तो Redmi अपने 12 सीरीज में काफी सारे स्मार्टफोन्स को इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के साथ साथ ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में भी लॉन्च करने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार Redmi 12 सीरीज में कहा जा रहा है कि हमें 5G स्मार्टफोन भी देखने को मिलेंगे, और यहां पर Redmi 12C करके जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने के लिए 100% कंफर्म कर दिया गया है। यह स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है 26 फरवरी को। अब यहां पर अगर बात करूं स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में, स्मार्टफोन के डिजाइनिंग के बारे में, तो ऑब्वियसली Redmi की ये जो नंबर सीरीज है वो हमें 10,000 या फिर आप कह सकते हैं 10 से 12-13 हज़ार रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलती है, और कुछ जो स्मार्टफोन है वो अंडर 10,000 की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलते हैं। अब Redmi 12C जो स्मार्टफोन है वो हमें अंडर 10,000 की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन की अगर बात करूं डिजाइनिंग के बारे में, तो ऑब्वियसली एक बजट स्मार्टफोन जैसे डिजाइनिंग आपको देखने को मिलती है। पीछे की साइड आपको प्लास्टिक का जो बैक है वो देखने को मिलता है, फ्रंट की साइड में वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलती है। Redmi 12C जो स्मार्टफोन है इसमें आपको जो डिस्प्ले है वो फिलहाल देखने को मिलती है 6.53 इंचेस की। स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, उसके साथ में 5000 mAh की बैटरी, 10 वाट का चार्जर, 3GB रैम, 62GB स्टोरेज, और उसके साथ में आपको 4GB रैम, 128GB स्टोरेज देखने को मिलती है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो Helio G85 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, यानी ये Redmi 12C जो स्मार्टफोन है वो Redmi का 4G स्मार्टफोन है। साथ दोस्तों इस बार कहा जा रहा है कि Redmi 12 के नाम से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में दो स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकते हैं, Redmi 12 4G और Redmi 12 5G। जो Redmi 12 5G होगा वो 10,000 से ऊपर यानी 11-12,000 रुपए की रेंज में आएगा, और इसमें हमें 5G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। अब कौन सा प्रोसेसर होगा, मे बी MediaTek Dimensity 700 का प्रोसेसर वगैरह हो। आज दोस्तों यहां पर मैं ये जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि जब Redmi अपने सस्ते स्मार्टफोन को लाए तो प्रोसेसर के साथ साथ में 5G के साथ साथ में और भी जो फीचर्स हैं उसको भी ध्यान में रखा जाए, जैसे कि स्मार्टफोन की डिस्प्ले वगैरह हो गई। अगर 15,000 की रेंज में लॉन्च करें तो 5G के साथ में AMOLED डिस्प्ले वगैरह देनी चाहिए, साथ में 33 वैट वगैरह का चार्जर भी प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि 2023 आ गया, वैसे में अभी भी 10 वैट या फिर 5 वैट का चार्जर देंगे तो कोई सेंस नहीं बनता स्मार्टफोन को लॉन्च करने का। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन स्मार्टफोन के बारे में, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल ये Redmi 12C जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने वाला है 26 फरवरी को ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में, और ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट के साथ साथ ये स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में भी बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट पे। और अगर बात करूं स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, तो ऑब्वियसली ये स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में भी 10,000 की प्राइस पॉइंट पर ही लॉन्च होगा। ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में भी इसकी जो प्राइस जाएगी उसको अगर हम इंडिया प्राइसिंग से कन्वर्ट करते हैं तो 10,000 की प्राइस पॉइंट पर स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। आपका क्या ओपिनियन है Redmi 12 सीरीज के इन स्मार्टफोन के बारे में, Redmi 12C के बारे में, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।